वोट पाने के लिए यूपी के गरीब दलित पिछड़ों को गाली दिलवाई गई, तालियां बजाई गई। आपने वो वीडियो देखा है ना। लेकिन यहां के जो घोर परिवारवादी है, उन्होंने दिखावे के लिए भी इसका विरोध नहीं किया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करेगा तो आप इसको स्वीकार करेंगे? आप चुप रहेंगे? आप मुंह पे ताला लगा देंगे? आप जहां भी होगी, जितनी आपकी आवाज होगी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप यूपी के लोगों का अपमान सहन करेंगे क्या? लेकिन ये परिवारवादी, इतना बड़ा अपमान हुआ, इतना सारा बोला गया, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? उनको यूपी के लोगों के मान सम्मान की नहीं, सिर्फ अपने कुनबे की चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, न ये आपकी इज्जत की परवाह कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बंगाल में जब चुनाव चल रहा था, यूपी के खान पान पर, यूपी के पहनावे पर यहां के लोगों को गाली देते हैं, उन्हें भी ये परिवारवादी लाल जाजम बिठा करके, लाल दरी बिठा करके प्रचार करने के लिए यहां बुलाते हैं, जो यूपी के लोगों के खान पान पर, उनके पहनाव पर, उनके बोलचाल पर मजाक उड़ाते हैं। भाइयों बहनों, इन्हें ना यूपी की परवाह है और ना ही यूपी के लोगों की। आपकी उनको कोई दरकार नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं है भाइयों। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। साथियों, गौर परिवारवादियों को सरकार क्या है, उनके लिए, उनके लिए सरकार का मतलब क्या है? उनके लिए सरकार का मतलब है, ये तो